सब्सक्राइब कीजिए नूतन स्वर DMK को और बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन शर्मा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ, जो आप बरसात के मौसम में आराम से शाम में चाय के साथ इसका मज़ा आप उठा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, करीब 3 से 5 मिनट के अंदर ही ये बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड, इसे देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म किया है, एक आप कढ़ाई ले सकते हैं या पैन भी, मैंने यहाँ पैन लिया हुआ है। और पैन को गर्म करने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया, करीब 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसमें अब मैं 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ, ये देखिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक लिया है, मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है। पानी को गर्म होने दीजिए, खोलने दीजिए। उसके बाद उसमें मैंने 1 कप सूजी ले लिया है, जिसे सेमोलिना भी कहते हैं। ये ले करके इसे अच्छे से इसमें मिला लेना है, ये देखिए पानी पूरा अब्ज़ॉर्ब हो चुकी है सूजी के अंदर और ये अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो अब मैं इसे आपको प्लेट में डाल के दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, ये अच्छे से मिला लिया मैंने और इसे मैंने एक प्लेट में मैंने इसे डाल दिया और इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए, पूरी तरह से नहीं करना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच गाय का घी लेकर के इस पर मैंने डाल दिया और अब मैं इसमें थोड़ा सा, करीब 1 चम्मच बारीक कट किया हुआ अदरक और 1-3-4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया है। आप हरी मिर्च अपने स्वाद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है अदरक को और उसे अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ, ये देखिए। इस तरह से मिलाइएगा तो वो बहुत ही अच्छे से मिक्स होगी। और ये मैं आपको मिलाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से, इसका डो अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ही स्मूथ बनी है ये। अब इस डो का मैंने 2 टुकड़ा कर दिया है, 2 अलग अलग भागों में इसे मैंने बांट दिया है और इसे इस तरह से हाथ से इसे फैला लेना है, ये देखिए। इस तरह से आप फैला लीजिएगा, ये बहुत ही स्मूथली फैल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसे आप जिस साइज़ में आपको कट करना है उस साइज़ में आप इसे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ लंबा शेप दिया है इसे, ये देखिए। इस तरह से मैंने अब दूसरा लिया, दूसरा डो जो मैंने आधा रखा था उससे दूसरा कट करके, तो उसे भी उसी तरह से करना है। इस तरह से इसे लंबा मैं कर ले रही हूँ और उसे मैं प्लेन करने के बाद अब मैं उसे कट कर ले रही हूँ, ये देखिए। इस तरह से कट कर देना है और इसी तरह से मैंने सभी को कट कर लिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी को अच्छे से कट कर लिया और इसे भी मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब चलिए आगे के प्रोसेस के लिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम किया हुआ है, उस पर मैंने तेल डाल लिया, करीब 1 कप तेल मैंने यहाँ पे लिया है। आपको इतना तेल लेना है जिससे वो पूरी तरह से डिप हो जाए, पूरी नहीं तो आधा भी, कम से कम वो आधा तेल आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने लिया है, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया सभी को और उसे आप मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। आप इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे तो काफ़ी अच्छी बनेगी, ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये देखिए, मैंने इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लिया है और अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ दूसरे प्लेट में, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, देखिए। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ दूसरे प्लेट में। अब ये देखिए, ये ज़्यादा तेल भी अब्ज़ॉर्ब नहीं करती है, बहुत ही कम तेल में ये बन जाती है। और देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत बनी है और बहुत ज़्यादा करारी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और बच्चे के टिफ़िन में आप इसे दे सकते हैं, शाम के नाश्ते में आप चाय के साथ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है ये और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है। मैं आपको इसका आवाज़ सुना सकती हूँ, देखिए।
ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इसे एक बार जो ट्राई कीजिए, मुझे विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों को भी इसे टिफ़िन में दीजिए, बच्चे को भी बहुत पसंद आएगी। और शाम के नाश्ते के लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, और या तो आप पार्टी में भी बना के दे सकते हैं। ये सभी गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि इतनी क्रिस्पी होती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।